5 दिसंबर 1986 वॉल्टर व्हाइट जूनियर नाम के एक 37 वर्षीय पायलट बहामास से मायामी जाने के लिए अपने प्राइवेट प्लेन ट्विन इंजन बीच क्राफ्ट से उड़ान भरते हैं। नीले समुद्र और सफेद बादलों के बीच से गुजरते वॉल्टर को यह सफर बेहद ही रोमांचक और सुहावना लग रहा था। वॉल्टर लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वे अभी अपने आधे रास्ते में ही थे कि अचानक एंड्रोस आइलैंड के ऊपर से गुजरते वक्त मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और कुछ ही देर में भारी वर्षा शुरू हो गई। अब वॉल्टर के पास वापस बहामास लौटने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, लेकिन अब तक तूफान और वर्षा अपना भयानक रूप ले चुके थे और साथ ही बड़े और काले बादलों ने वॉल्टर के प्लेन को घेर लिया था। इस सिचुएशन में वापस बहामास पहुंचना लगभग नामुमकिन था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वॉल्टर ने कोस्ट गार्ड की टीम से कॉन्टेक्ट कर मदद की गुहार लगाई। कोस्ट गार्ड की टीम ने उन्हें तुरंत ही काइसाल आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दे दी, जो कि प्लेन की लोकेशन से कुछ ही दूर पर था, और उसकी मदद के लिए फाल्कन जेट को भेजने की बात कही। अनुमति मिलते ही वॉल्टर ने तुरंत ही अपना प्लेन काइसाल आइलैंड की ओर मोड़ दिया। अब उनका लक्ष्य था तो सिर्फ काइसाल आइलैंड पर पहुंचना, लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वॉल्टर अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक उनके प्लेन से गड़गड़ाहट की आवाज आना शुरू हो जाती है। वॉल्टर इस आवाज के पीछे का कारण समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर फ्यूल मीटर पर पड़ी, जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि प्लेन के फ्यूल टैंक में मात्र 1/4 फ्यूल ही बचा था, जो काइसाल आइलैंड पर पहुंचने के लिए काफी नहीं था। ये समस्या कम नहीं थी कि अचानक ही प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इस समय वॉल्टर आइलैंड से 6 मील की दूरी पर थे, लेकिन वॉल्टर को समझ पाते उससे पहले ही प्लेन तेजी से गहरे समुद्र की ओर गिरने लगा। वॉल्टर के लिए भले ही ये एक अचानक से घटी घटना हो, लेकिन इसका बीज प्लेन के उड़ान भरने से पहले ही बोया जा चुका था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उड़ान भरने से पहले ही किसी ने वॉल्टर के प्लेन से कुछ नेविगेशनल इक्विपमेंट चोरी कर लिए थे, जिनके अभाव में प्लेन का एक बड़े खतरे का शिकार बनना निश्चित था, लेकिन वॉल्टर इस बात से अनजान थे। इधर कुछ ही सेकंड्स में प्लेन समुद्र से जा टकराया। प्लेन जैसे ही समुद्र से टकराया तो अचानक झटका लगने के कारण वॉल्टर का सिर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पैनल से टकरा गया, जिसके कारण उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। उधर इसी घटना के कारण उनके पैर में भी एक गहरा घाव बन चुका था। हालात ये थे कि वॉल्टर का इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन वॉल्टर ने हिम्मत दिखाई और तुरंत ही अपनी लाइफ जैकेट पहनी और टॉर्च लेकर प्लेन के विंग पर पहुंच गई, ताकि अपने रेस्क्यू के लिए आने वाली कोस्ट गार्ड की टीम को सिग्नल दे सके। लेकिन यहां भी उनकी किस्मत ने उन्हें फिर से धोखा दिया, क्योंकि जो टॉर्च वो अपने साथ लेकर गए थे वो गीली होने की वजह से जल ही नहीं पाई। वो वहां फंसे होने का किसी भी प्रकार का संकेत रेस्क्यूअर्स को नहीं दे पाई, जिसके कारण उनके जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी उनसे मात्र 200 फीट की दूरी से ही निकल गई। इधर वॉल्टर को अभी तक जिंदा रखने में साथ निभाने वाला प्लेन का विंग भी अब उनका साथ छोड़ने लगा था, क्योंकि प्लेन तेजी से समुद्र के गहरे पानी में समा रहा था। ऐसे में वॉल्टर को मजबूरीवश प्लेन के विंग को छोड़कर पानी में छलांग लगानी पड़ी। अब वॉल्टर के सामने चुनौती थी तो अपने आप को जिंदा बनाए रखने की, क्योंकि घनघोर अंधेरा, हड्डियां गला देने वाला ठंडा पानी और उस समुद्र में मौजूद भूखी शार्क्स अब किस ओर से मौत दस्तक दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता था। इस स्थिति में वॉल्टर चाहे जितना चीखते या चिल्लाते कोई उनकी मदद को नहीं आने वाला था, लेकिन वॉल्टर ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने भगवान को याद करते रहे। लेकिन लगभग 1 घंटे तक पानी में यूं ही तैरते रहने के बाद वॉल्टर को एहसास हुआ कि उनके आसपास कोई बहुत बड़ी मछली है जो उन्हें किसी भी पल अपना शिकार बना सकती है। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि काफी सारी मछलियाँ थी, जो कि बुल शार्क थी। बुल शार्क सामान्यतः अपने अग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, जो कि इंसानों की जान की दुश्मन होती हैं। उधर वॉल्टर भी अब ये मान चुके थे कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन वॉल्टर अब भी मौत से लड़ना चाहते थे। उनके दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनके पांव को नीचे की तरफ खींचा हो, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वो भूखी शार्क ही थी, जिनके होने का एहसास वॉल्टर को कुछ ही सेकंड्स पहले हुआ था। इसलिए वॉल्टर ने तुरंत ही अपने पैर को झटका मारा और तैरना शुरू कर दिया। अब उनका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके उन भूखी शार्क्स के हमले से खुद को जिंदा बचाए रखना। लेकिन वॉल्टर ये जानते थे कि ये सब ज्यादा देर तक असरदार नहीं रहने वाला था, क्योंकि जब तक उनकी बॉडी से खून बहता रहेगा ये भूखी शार्क उनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में इन भूखी शार्क से खुद को बचाने के लिए वॉल्टर ने तुरंत ही अपनी लाइफ जैकेट को निकाला और उसे पहनने के बजाय वो उस पर लेट गई, ताकि वो पानी के ऊपर रहें और शार्क की नजरों से भी बच सकें।
तरकीब अच्छी थी लेकिन इतनी कारगर भी नहीं कि वो इससे शार्कों को धोखा दे सके। अभी वोल्टर अपनी लाइफ जैकेट पर लेटे ही थे कि अचानक एक बुल शार्क आकर अपने शिकार को ढूंढने लगी। इस बुल शार्क के साथ 3-4 शार्क और भी थी जो बेसब्री के साथ उस खून का पीछा करने लगी जो उन्हें वोल्टर तक ले जा सकता था। अब वोल्टर इस सिचुएशन में पहुंच चुके थे जहां मौत किसी भी पल उन्हें अपने गले लगा सकती थी। एक तरफ 4 विशालकाय और भूखी शार्क और दूसरी तरफ असहाय वोल्टर। शार्क लगातार हमला करती रही और वोल्टर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तैरते रहे, कभी हाथों की तरफ से हमला तो कभी पैरों पर शार्क का झपट्टा। अब वोल्टर का पल पल मौत से जंग लड़ने में बीत रहा था। उधर अब वोल्टर की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए कपकपा देने वाले इस ठंडे पानी में तैरते रहने से वे काफी ज्यादा थक चुके थे और अब उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगा था। लेकिन उनके जीने की जिद और जुनून को देखते हुए शायद भगवान ने भी उनकी सुन ली और फिर वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही वोल्टर ने आसमान की ओर देखा तो उनकी आंखें भर आई क्योंकि ये वही फाल्कन जेट था जो उन्हें एक बार फिर से ढूंढने निकला था। 4 मछलियों के बीच एक शिकार के रूप में फंसे वोल्टर के अंदर अब जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जाग गई थी, इसलिए फाल्कन को देखते ही वोल्टर उसकी तरफ इशारा करने लगे और उनकी खुशकिस्मती ही थी कि पायलट्स की नजर भी उन पर पड़ गई। लेकिन फाल्कन जैसे ही वोल्टर के करीब आया तो पायलट उसकी हालात देखकर वापस लौट गए। वोल्टर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, मदद उनके इतने करीब आकर वापस क्यों चली गई। लेकिन वोल्टर कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक स्लीक बोट तेज रफ्तार से वोल्टर के पास आई जिसे फाल्कन जेट द्वारा रेडियो सिग्नल दिया गया था। फाइनली बोट में आए रेस्क्यूअर्स ने तुरंत ही उन्हें पानी से बाहर निकाला। लेकिन जब वोल्टर ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई और उन्होंने उसकी हालात को देखा तो एक पल को तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि भूखी शार्क और समुद्र के ठंडे पानी के बीच वोल्टर अभी भी जिंदा है। लेकिन ये तो वोल्टर के जिंदा रहने की जिद और पहाड़ सा मजबूत हौसला ही था जिसने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फाइनली एक प्लेन क्रैश और 15 घंटे से भी ज्यादा समय तक ठंडे पानी और जानलेवा शार्कों के बीच रहने के बाद आखिरकार वोल्टर को बचा लिया गया। तो वोल्टर के इस जज्बे के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है।